हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप करांगे लिसनिंग मैप। सो टू थ्री मैप्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो वो मैं तुम्हें दसूंगी कि कितना तुसी करने ने, किड़ियां टिप्स ने, ट्रिक्स ने, राइट, जो तुसी ऑप्ट करने ने जो तुसी लिसनिंग दे विच मैप दी गल करदे। बिकॉज मैं इस चीज़ को स्क्रिटिनाइज किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जोड़े दे जस्ट फाइंड इट रियली वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो उन्होंने लगता है कि लिसनिंग दे विच जो डिफिकल्ट पार्ट है साडे लिए दैट इज मैप। चलो अब आप शुरू करते हैं मैप के नाल। तो तुसी सब तो पहला की करना हुंदा जो भी तुहानू कोई मैप वेखण मिलदा लिसनिंग दे विच, फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी की करना है, अगर डायरेक्शन गिवन ने तो फटाफट डायरेक्शन नू स्पेसीफाई करना जरूरी है। हुण देखो, ईस्ट, वैसट, नॉर्थ, साउथ। सो दिस साइड इज ईस्ट, वैसट, नॉर्थ एंड साउथ, एग्जैक्टली। सो अलोंग विद दैट नॉर्थ ईस्ट विल बी हियर, नॉर्थ वेस्ट विल बी देयर, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, क्लीयर। सो आप लोकेशनस नू सब तो पहला स्पेसीफाई करना है। नो डाउट जो क्वेश्चन सू गिवन ने तुम उन्होंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो फटाफट जो अपन टाइम दिता हों। सो फस्ट वन इज ऑन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड इज बो एंड एरो डिस्प्ले, थर्ड हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले, फोर ट्रडिशनल डांसिंग एंड फाइव शॉप। सो इस तो पहला मैं तुम्हें यह दसदा कि जो आप लाइक इदा की गल करते हैं तो मेनली टू टाइप्स के उन्होंने अपन जो मैप्स ने दिते होंगे ने। फस्ट वन के करे ऑलवेज दे विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, एंड मेन एंट्रेंस तो तुम तुम्हें पहली लोकेशन दसेंगे, मीनस तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट दसेंगे। उस तो बाद जो सैकेंड की गल करनी है ना, बो एंड एरो डिस्प्ले की गल करनी, दैन अगेन दे विल स्टार्ट विद द मेन एंट्रेंस, राइट। ये है फस्ट वन के, सैकेंड वन के होंगे आ वह मतलब पूरे मैप के घूम के लोकेशन दसते हैं, वो मेन एंट्रेंस तो स्टार्ट तो करेंगे बट हर एक पॉइंट पर जाके मेन एंट्रेंस से वापस नहीं आते, ठीक है। सो अज वाला जो आप मैप कर लगे हैं ये मेन एंट्रेंस तो ही उन्होंने सारी लोकेशनस स्पेसीफाई करना है। सो लिसन केयरफुली, तो ध्यान नाल उन्होंने चैक करना, फिर उस तो बाद अपन डिस्कस करांगे। हाँ जी, ऑडियो में डिस्प्ले कर लगी हूँ तो सब तो पहले तुम खुद इन ट्राई करना है, ओके। यू विल हियर अ गाइड टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स हू आर अबाउट टू विजिट एन इंग्लिश कैसल। फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 16 टू 20। हुण देखो अपन टाइम दिता है कि यू हैव टू चेक यू नो क्वेश्चन नंबर 16 to 20। सो आप की करना है जो मेन चीज़ा ने तुम ये लाइक क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऑलरेडी अपन पता चल गया कि फर्स्ट ये बारे गल होनी है, सैकेंड बो एरो, थर्ड हंटिंग बर्ड्स, फोर ट्रडिशनल एंड फाइव शॉप। सो तुम्हें की करना है फटाफट इनू चैक करना है कि मैप के दिता है। सो वी हैव फाउंड हियर मेन एंट्रेंस दिती है, तो वो बिल्कुल सामने अगर आप स्ट्रीट वे जाने लाइक सीधा जाने तो साउथ गेट इज देयर, है ना, वो अलोंग एक प्लेस दिती है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि प्लेस है, वो मैनशन करेंगे। उस तो बाद गल की जाए मेन एंट्रेंस तो इधर हैगा लेफ्ट साइड, सडनली यस दिस, नो सॉरी दिस वन इज राइट साइड, सॉरी, एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड, है ना। सो राइट तो लैफ्ट, सो ये अकॉर्डिंग फिर बोलेंगे कि राइट के अगे जाना है तो यह चीज़ आऊगी। इस तो पहला जो आप चैक करिए फटाफट देखो, साउथ गेट अपोजिट साइड से नॉर्थ गेट दिता है, रिवर दिता है, रिवर नू क्रॉस करके एक उन्होंने पॉइंट दिता है, क्लीयर। आ देखो इन्होंने दिता है आ वॉल्स ने जुड़िया कि इन्हों कनैक्ट कर रही ने डिफरेंट टॉवर्स में, 1, 2, 3, 4 टॉवर्स अपन इन्होंने गिवन ने, ठीक है। सो ये चीज़ा आप फटाफट चैक कर लिया, हम आप अगे सुनोंगे रिकॉर्डिंग। With a river on two sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. So, जब हम उन तक चेक करी तो उन्होंने बोले हैं, don't miss seeing the Great Hall. So, उन्होंने सब तो पहले Great Hall दी गल की थी है, that's near the river in the main tower. So, इन्हों main tower उन्होंने मन्ने हैं 4 towers दे बच्चों, that is the biggest one. Which was extended and redesigned in the 18th century. हुण तक सिर्फ आपां नूं उन्होंने लाइक इंट्रोडक्शन दिती है कि द टावर्स आर देयर, गेट टावर विच इज़ द बिगेस्ट वन, राइट, ते जिहनूं एक्सटेंड ते रीडिजाइन किया गया सी 18th century दे विच, बट हजे तक सानूं कोई लोकेशन स्पेसीफाई नहीं की। चलो अगे सुनदे हां रिकॉर्डिंग। If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate. And it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਕੈਸਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਾਲਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਵਾਲਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ।
द स्टार्टिंग पॉइंट्स क्वाइट नियर द मेन एंट्रेंस. उन्होंने मेंशन किया कि स्टार्टिंग पॉइंट कितने मेन एंट्रेंस से बिल्कुल नियर है. चलो अगे बोलिया सीगा वॉक स्ट्रेट डाउन द पाथ. जितने जितने ऑडियंस चली उदो तो मूव करना. वॉक स्ट्रेट डाउन द पाथ अंटिल यू गेट टू द साउथ गेट. सो जो तक आप साउथ गेट पर नहीं पहुँच जाते हूँ इतने आप देखिए अपन साउथ गेट मिल गया है एंड इट्स जस्ट देयर. जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की गल करें कि लाइक नीयर हैगी है तो सैकेंड उन्होंने बोलिया कि तुम्हें बिल्कुल सीधा जाना है जो तक साउथ गेट नहीं आ जाता एंड इट्स जस्ट देयर. सो दैट मीनस इट्स जस्ट देयर मीनस वी हैव ओनली वन ऑप्शन हीयर. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हीयर एच तुम इतने फटाफट 16 लिख दो. क्यों? रीजन बीइंग अपनी जी पेंसिल है उन्होंने उदा उदा ही मूव करवाना है जिदा जिदा ऑडियो प्ले होंगी पी है. इज इट क्लीयर? सो इस चीज़ का ध्यान रखना. सो नाओ वी हैव गॉट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स. इट स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी नियर टू द मेन एंट्रेंस एंड यू हैव टू जस्ट वॉक स्ट्रेट डाउन द पाथ अंटिल यू गेट टू द साउथ गेट एंड इज जस्ट देयर. सो दैट मीन्स वी हैव गॉट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 दैट विल बी एच. नेक्स्ट There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like it. हाँ जी हूँ आप चेक करते हैं सैकेंड वन. फर्स्ट अपना आंसर मिल गया से एच. सैकेंड उन्होंने गल की बो एंड एरो डिस्प्ले की. उन्होंने बोला देयर विल शॉर्टली बी अ शो इन व्हिच यू कैन सी आर्चर्स डिस्प्लेइंग देयर स्किल विद अ बो एंड एरो. द क्विकेस्ट वे टू गेट देयर इज टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट. सो राइट नहीं जाना आप फर्स्ट लैफ्ट लैना है. सो दैट मीनस आप इतों लैफ्ट चलते हैं आफ्टर द मेन एंट्रेंस तो बाद एंड फॉलो द पाथ पाथ न फॉलो कर रहे हैं पास द ब्रिज दैन यू सी इट इन फ्रंट ऑफ यू एट द एंड. सो दैट मीनस इतों आप चल रहे हैं अपने सीधा सामने दिता है. सो अगर आप सामने चेक करिए पास द ब्रिज दैट इज नॉट ऑल अबाउट ओवर द ब्रिज. ये उपरों क्रॉस करके जी एंसर नहीं आना. सो दैट इज ऑलरेडी पास द ब्रिज और आप अगे जा रहे हैं तो नाल उन्हें की वर्ड दिता सीगा इन फ्रंट ऑफ यू एट द एंड. सो दैट इज ऑल अबाउट डी ऑप्शन. सो 17 एंसर वी हैव गॉट दैट विल बी डी. नेक्स्ट एनिमल्स देयर इज आल्सो अ डिस्प्ले ऑफ हंटिंग बर्ड्स फाल्कन्स एंड ईगल्स एंड सो ऑन. इफ यू गो फ्रॉम द मेन एंट्रेंस in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. Yes, next question. If you like animals, there's also display of the hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right. So, up a main entrance to Jarian south gate, well, तो आप राइट टर्न लेना. देखो राइट टर्न अपने को एक ही हैगा दिस वन इज राइट साइड. यस सो आप राइट टर्न लेना बिफोर यू गेट देयर इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इट. ओके नाल बोले यू वर सीट ऑन द राइट राइट साइड पर देखना आ तो लैफ्ट दैट मीन सीधा आना नहीं है. राइट साइड पर अपने को ऑप्शन हैगी एफ नालों ने बोलिया सीगा पास्ट द फर्स्ट टावर. सो दैट वन इज द फर्स्ट टावर ना. सो इनू आप पास करना लाइक ये तो अगे निकल के राइट साइड पर अपन ऑप्शन दी है दैट विल बी हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले. So answer of question number 18 will be F. At 3 p.m., there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. Yes, next one is traditional dancing. Unhone bola si at 3 p.m., there is a short performance of the traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance. So main entrance so other side. So other side is all about idhar hai ga south gate, other side is north. Yes, idhar side te chalde haan. And over the bridge. Hun itthe vekho river te bridge aa ditta hoya. Over the bridge means onu apa cross kar le aaya. It's just 10 minutes walk or so. So that means we have got answer of question number 19. Means traditional dancing. In naal bolya si outdoor stage is there. Yes. That is all about A. Next one. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Right. Yes. So last one is all about the shop.
So Indianapolis and finally the shop. It's actually inside one of the towers. So main entrance to agar apa gal kariye ta jare main towers ne these two ones hai na. So one is E, second is C. So this one is on the right side, this one is on the left side. But they have mentioned that actually it's inside one of the towers. That means either the answer will be C or answer will be E. Yes, but agge sunoge, but the way in is from the outside. But ethe janda chada hega ya rasta o outside to hi hega, bahar to hi hega ya. Just take the first left from the main entrance. आप सब तो पहला की करना है first left लेना है. So first left from here आप इतना चल दे पिया. After the main entrance go down the path नाल नाल चलना है. And take the first right. इतना जो भी first right है केडी उन्हें पिये. This one is the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. So that means E is the correct answer of question number 20. I hope it's clear. So what do you have to do? Always पहला ही check करना है या फटाफट directions नू specify करो, left right नू clear कर लो. So main entrance तो right, main entrance तो left. So मैं एक बारी दोबारा explain कर रही हूँ कि किधर किधर उन्होंने ये चीज़ नू mention किता सिगा. First of all, always हाँ जी उन्होंने main entrance तो start किता, then they mentioned you know just walk straight down the path until you get to the south gate and it's just there. So that means we have got answer of first question starting point. So that is all about H. Second is bow and arrow display di agar aap gal kariye. So that is the quickest way to get there is to take the first left. Unhone bola ki first left lana hai main entrance to and follow the path past the bridge. Unhone paas agge jana hai and that is just in front of you. Directly you will get answer that will be D. After that, hunting birds display di gal kitti sigi. That is all about having animals and all. Unhone bola si if you go from the main entrance in the direction of the south gate, idda sidha jana hai but turn right. But right turn leni hai. Theek hai, itthe nahi pahunchna, right turn leni hai. You will see it on the right past the first tower. First tower nu pass karke agge jaake right side te unhe ditta hai. So that means we have got answer of question number 18, hunting birds, that is F. उसके बाद बोला सी एट 3 PM देर इज अ शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेडिशनल डांसिंग ऑन द आउटडोर स्टेज दैट्स राइट एट द अदर साइड ऑफ द कैसल बट कैसल द अदर साइड की गल की है राइट सो दिस वन इधर अदर साइड केड़ा हो गया दिस वन ना रिवर यस बट उन्हें बोला सीगा कि रिवर नू क्रॉस करके हैगा आ पॉइंट सो आ रिवर नू आप क्रॉस कर गए यस सो दैट इज ए एंड नैक्सट वन इज शॉप शॉप के उन्होंने बोलिया सीगा तुसी एग्जैक्टली की करना जस्ट टेक द फर्स्ट लैफ्ट इतों मेन एंट्रेंस तो जस्ट लैफ्ट लेना है एंड गो डाउन द पाथ एंड टेक द फर्स्ट राइट अगे जाते जाते पहला राइट ला लेना है सो दैट मीनस उन्हें बोला से ना कि टॉवर के इनसाइड आ दो टॉवर के इनसाइड आ सो जे तो राइट बोलते तो आंसर सी होना सी बट उन्हें लैफ्ट बोले तो आंसर की आएगा ई आएगा क्लीयर सो दैट्स ऑल अबाउट द मैप थैंक यू हैव अ नाइस टाइम बाय बाय मिलते नेक्स्ट टाइम नवे मॉड्यूल के नाल थैंक यू